हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स और मैं हूं रवीश। एनएन स्पोर्ट्स में आज बात करते हैं भारतीय टीम की सबसे बड़ी कमजोरी की। भारतीय टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर है जब भारतीय टीम पहला टेस्ट मैच खेल रही है, लेकिन इस दौरान भारतीय टीम की कमजोरी फिर से सामने आ गई है। इस कमजोरी के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें और जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, टीम इंडिया की वो कमजोरी हम आपको बताते हैं जिससे भारतीय टीम जूझ रही है। जी हां, पुछल्ले बल्लेबाजों को आउट ना कर पाना टीम इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी है, जो कि न्यूजीलैंड दौरे पर भी सामने आ रही है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में आखिरकार टीम इंडिया के गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड की पूरी पारी खत्म की। भारत के 165 रन के जवाब में न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 348 रन बनाए और इस तरह से उसे 183 रनों की बढ़त भी हासिल हुई। इन सब के बीच भारत की एक बड़ी कमजोरी सामने आई। भारतीय गेंदबाज निचले क्रम के बल्लेबाजों को उतनी तेजी के साथ आउट नहीं कर पाए जैसे कि किया जाना चाहिए था। ये हाल तब था जब तीसरे दिन की पहली ही गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने वॉटलिंग को आउट कर दिया था। जब दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ था उस वक्त तक न्यूजीलैंड ने 216 रन बनाए थे और लीड 51 रन की थी। इसके बाद छठा विकेट भी इसी स्कोर पर गिर गया था। भारत की पहली पारी के जवाब में न्यूजीलैंड ने 183 रनों की लीड ली, लेकिन जब बात भारतीय गेंदबाजी की आई तो टॉप ऑर्डर तो छोड़िए, लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों को आउट करने में भी भारतीय गेंदबाजों के पसीने छूट गए। वॉटलिंग के आउट होने के बाद टीम सऊदी को भी जल्दी चलता कर दिया गया, लेकिन सातवें विकेट के बाद आठवां विकेट 225 के बाद 296 रन पर जाकर गिरा। इस दौरान करीब 71 रनों की साझेदारी दोनों बल्लेबाजों में हुई। अपना पहला ही मैच खेल रहे काइल जेमिसन ने अच्छी बल्लेबाजी की। न्यूजीलैंड का आठवां विकेट जब काइल जेमिसन के रूप में 296 पर गिरा, उसके बाद जल्दी ही 310 रन पर नौवां विकेट भी गिर गया। इसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि टीम इंडिया जल्द ही न्यूजीलैंड की पारी समेट देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 10वां विकेट तब गिरा जब टीम का स्कोर 348 रन हो गया। इस तरह से न्यूजीलैंड की कुल लीड 183 रनों की हो गई, जो काफी ज्यादा है। यह पहली बार नहीं है जब टीम इंडिया के गेंदबाजों को पुछल्ले बल्लेबाजों ने जमकर परेशान किया हो। कई विदेशी दौरों पर ऐसा हो चुका है जब टेलेंडर्स ने भारतीय गेंदबाजों की कड़ी परीक्षा ली है। वेलिंगटन टेस्ट की भी अगर बात की जाए तो अपना पहला टेस्ट खेल रहे काइल जेमिसन ने भी 44 रनों की पारी खेली और भारतीय गेंदबाजों को खूब परेशान किया। इससे पहले अक्टूबर में भी जब भारत अपने घर पर दक्षिण अफ्रीका के साथ खेल रहा था, तब दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया की यही कमी सामने आई थी। एक समय महज 162 रनों पर दक्षिण अफ्रीका के 8 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजने में कामयाब रहे भारतीय गेंदबाज पुछल्ले बल्लेबाजों के विकेट झटकने में संघर्ष करते नजर आए। इससे भी पहले जनवरी 2018 में दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर भी भारत को इसी परेशानी ने सताया था। केप टाउन में सीरीज के पहले टेस्ट में भारतीय गेंदबाजों ने दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी में शुरुआती 6 विकेट 202 रन देकर झटक लिए थे। यह अलग बात है कि अंतिम 4 बल्लेबाजों ने 84 रन जोड़ दिए। तो हमने आपको दक्षिण अफ्रीका दौरे की कहानी बताई, लेकिन दक्षिण अफ्रीका का दौरा इकलौता ऐसा दौरा नहीं है जब पुछल्ले बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को परेशान किया हो। इंग्लैंड दौरे पर भी टेलेंडर्स भारत के लिए बड़ी मुसीबत बने थे और भारत गेंदबाजों के टेलेंडर्स को आउट करने में पसीने छूट गए थे। सीरीज के पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड की दूसरी पारी में उसके 7 विकेट 87 रन तक गिर गए थे। तब लग रहा था कि इंग्लैंड की पूरी टीम 100 रन पर आउट हो जाएगी, लेकिन अंतिम 3 बल्लेबाजों ने स्कोर 180 रन तक पहुंचा दिया। भारत को 194 रनों का लक्ष्य मिला, लेकिन दूसरी पारी में वो 162 रन पर ऑल आउट हो गई और उसे 31 रनों से हार का सामना करना पड़ा। यह सब पुछल्ले बल्लेबाजों को आउट न कर पाने के कारण ही हुआ। दिसंबर 2018 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड टेस्ट में भी भारत की पहली पारी 250 रन पर सिमटी और मेजबान टीम के पहली पारी में 6 विकेट 127 रन तक गिर गए। फिर अंतिम 4 बल्लेबाजों ने स्कोर 235 तक पहुंचा दिया। दूसरी पारी में भारत 307 रन पर ऑल आउट हुआ और मेजबानों को 323 रन का लक्ष्य मिला। भारत ने 7 विकेट 187 रन तक ले लिए, लेकिन फिर अंतिम 3 बल्लेबाजों की मदद से स्कोर 291 तक पहुंच गया। हालांकि विराट की किस्मत अच्छी रही, जो टीम इंडिया वो मैच जीतने में कामयाब रही। इस वक्त टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज भी टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। भारतीय टीम टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट टेबल पर टॉप पर बनी हुई है, लेकिन भारत को अपनी अगर पकड़ को और मजबूत करना है तो उसे अपनी कमजोरी पर पार पाना होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें और जितना ज्यादा हो सके शेयर करें।